जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर से आप लोग के लिए और झारखंड महिला सुपरवाइजर यानी कि झारखंड लेडी सुपरवाइजर के लिए दोस्तों आप सभी को लिए झारखंड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, जो कि दोस्तों ये आप लोगों को विज्ञान का, ठीक है, विज्ञान के यानी कि साइंस का इंपॉर्टेंट बेस्ट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर से ही आप लोग को लाया गया है। ठीक है, और आप लोग इसी तरह के एग्जामिनेशन में भी आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, आप लोग को 20 में 20 क्वेश्चन साइंस में सही करना है झारखंड महिला सुपरवाइजर की एग्जामिनेशन में। तो आप लोग को जितने भी आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बताया जाएगा या फिर साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा इस चैनल में, आपको सब कुछ सिर्फ देखना है। ठीक है, और जितना बताया जाएगा उतना सिर्फ फॉलो करना, उसको पढ़ाना है। ठीक है, तो आप लोगों मैं बीच बीच में कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट उसको भी डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग उस सबको पढ़ के आप लोग 20 में 20 ला सकते हैं, 20 में 20 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। बहुत ईजी है दोस्तों, कोई टफ, ठीक है, ठीक है, आप लोग इजीली कर लीजिएगा हमें उम्मीद है। और आप लोग को 100% गारंटी देते हैं, जितना आप लोग हम बताएंगे उतना अगर आप लोग सिर्फ फॉलो करते हैं और मेरे बताए हुए बातों को फॉलो करते हैं और अपने लागू करते हैं, तो आप लोग डेफिनेटली आप लोग का 100 में, मतलब क्या बोलते हैं, 100% आप लोग का 20 में 20 क्वेश्चन सही हो जाने वाला। ठीक है, तो चलिए आज के क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के क्वेश्चन है, एक निचला बादल यानी कि लो फाइंग क्लाउड क्या है? तुषार है, कोहरा है, धूम कोहरा है, ओसी, तो ये क्या है दोस्तों? तो ये आप लोग का कोहरा है ना। देखिए नीचे जब अभी देखिए ठंडा के दिन आ रहा है तो देखिएगा कि कोहरा बरसता है। ठीक है, वो निचले मतलब बादल की तरफ देखिएगा कि बादल नीचे ही है। ठीक है, तो वो क्या रहता है? कोहरा रहता है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए कोहरा क्या होता है, देखिए जब आर्द्र हवा ऊपर से उठ कर ठंडी होती है ना, जब आर्द्र हवा रहता है जो ऊपर उससे उठ कर ठंडी होती है, तब जलवाष्प में संघनित होकर जल सूक्ष्म में बूंदे बनाती है ना, छोटा छोटा बूंद बनाता है, और ये कभी कभी हवा के ऊपर भी जलवाष्प छोटे छोटे बूंद में बदल जाता है ना। देखिएगा कि जब कोहरा ठंडा दिन आ रहा है तभी देखिएगा, ठीक है, कि कोहरा के साथ साथ थोड़ा हल्का हल्का बूंदाबांदी मतलब पानी टाइप के गिरता है। ठीक है, ज़्यादा कोहरा बरसता है तब, है ना। तो नेक्स्ट है, एक हार्मोन जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है कौन सा? इंसुलिन है, लेप्टिन है, रिलैक्सिन है, फॉलिसाइल है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, तो क्या है दोस्तों? तो ये आप लोग का इंसुलिन है ना, एक हार्मोन जो रक्त शर्करा को स्तर को नियंत्रित करता है वो है इंसुलिन, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक हार्मोन है ना, इंसुलिन क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है जिसका निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण दोस्तों अग्नाशय द्वारा रक्त में मौजूद ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है ना। जो इंसुलिन है ये रक्त में रहता है, ग्लूकोज का जो मात्रा होता है, जो संख्या होता है, उसको क्या करता है, नियंत्रित करने का काम करता है कौन? इंसुलिन। इंसुलिन क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है। नेक्स्ट है, सतह क्षेत्र के डैश से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, बताइए क्या होता है? कमी, बढ़ने, रुकने, थम जाना, तो इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है बढ़ने, है ना। सतह जल के बढ़ने से वाष्पीकरण का जो दर रहता है वो बढ़ जाता है, राइट है, बढ़ने से ही बढ़ जाता है। ठीक है ना, देखिए वाष्पीकरण एक क्या है, सतही प्रक्रिया, सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है, जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैलाते हैं, है ना, कपड़े फैलाने के लिए, सॉरी सुखाने के लिए हम कपड़ा फैलाते हैं कि नहीं, बिल्कुल फैलाते हैं। नेक्स्ट है, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या है, बताइए बताइए क्या होगा? तो मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र MgCl2 हो जाएगा, ठीक है, जो कि सी नंबर ऑप्शन आप सभी को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैग्नीशियम क्लोराइड एक क्या है, अकार्बनिक यौगिक है, राइट। नेक्स्ट है, डैश को पदार्थ का चौथा चरण माना जाता है, इनमें से किसको पदार्थ का चौथा चरण माना जाता है? लिक्विड को, प्लाज्मा को, सोलिड को या फिर गैस को? तो दोस्तों प्लाज्मा को पदार्थ का चौथा चरण माना जाता है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। प्लाज्मा की बात करते हैं दोस्तों, प्लाज्मा ये जैसा कि आप सभी को बताएं, प्लाज्मा पदार्थ का चौथी अवस्था है ना। कलाश भौतिक और रसायन शास्त्र में आंशिक रूप से आयनीकृत एक गैस है ना, ये भी एक प्रकार क्या है, गैस ही है,
इसमें इलेक्ट्रॉन का एक निश्चित अनुपात किसी परमाणु हो गया या फिर अणु के साथ बंध होते हैं, है ना, होने के बजाय स्वतंत्र रूप से गमन करने की प्रक्रिया है ना। तो देखिए धनावेश और ऋणावेश, ठीक है, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव के गमन करने के कारण प्लाज्मा विद्युत चालक बन जाता है। प्लाज्मा विद्युत चालक कैसे बन जाता है? ऋणात्मक और धनावेश के, मतलब क्या बोलते हैं, गमन के कारण, राइट। नेक्स्ट है मशरूम, खमीर किसका उदाहरण है? सेरोफाइट्स का, विषम पोषण जो का, शाकाहारी का, सो पोषक का। तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग सभी के करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या है, सेप्रोफाइट्स, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सेप्रोसाइट किसको बोला जाता है? मृत जीव को, मृत जीव को बोला जाता है। ऐसे जीव जो क्षयान या मृत जैविक पदार्थों से अपना भरण पोषण करते हैं। देखिए ये मशरूम होता है, ये आप लोग का कहाँ जैसे मतलब कूड़ा कचरा रहता है ना, गोबर, गोबर जिसको आप लोग जानते हैं, नहीं जानते होंगे, तो गाय या बैल का जो मल होता है उसको गोबर बोला जाता है। ठीक है, तो उसी से ये सब निकलता है, यानी कि कह सकते हैं कि दूषित पदार्थों से निकलता है ना, वो भी एक प्रकार के दूषित पदार्थ ही है जिससे भरण पोषण करता है ना। मशरूम जैसा कि एक मृत जीव है, ठीक है, ये पूछ सकता है कि मशरूम किस प्रकार का जीव है, तो ये एक प्रकार का मृत जीव है। ठीक है, और मशरूम क्या है? मशरूम कवक से पोषण प्राप्त करता है, और मशरूम एक प्रकार का कवक ही है। ठीक है, मशरूम एक प्रकार का क्या है? कवक ही है, राइट। नेक्स्ट है केनाइन और मोलार दांतों के बीच स्थित क्या है? इंसी, रजम, केनाइन, प्री मोलार, मोलार। तो इस प्रश्न के आंसर आप लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, बताइए, प्री मोलर, यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दांत का मेनली चार प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? चार प्रकार होते हैं, जिसमें से आप लोग का फर्स्ट में आ जाएगा छेदक या कृंतक, जिसको इंसिसर कहते हैं ना, जिसको काटने का दांत भी कहा जाता है, और इसका संख्या की बात करते हैं तो और इसका आठ होता है। ठीक है, और सेकेंड में आपका हो जाएगा भेदक, यानी कि रंधक, जिसको केनाइन कहते हैं, फाड़ने की दांत। ठीक है, फाड़ने की दांत की संख्या कितनी होती है? चार होती है। ठीक है, फाड़ने के दांत की संख्या चार। थर्ड की बात करते हैं हम लोग अग्रचर्वणक, यानी कि प्रीमोलर, अग्रचर्वण यानी कि प्रीमोलर, जिसको चबाने वाला दांत भी कहते हैं, और इसकी संख्या कितना होता है? आठ होता है। और फोर्थ नंबर में बात करते हैं, फोर्थ नंबर चवर्ण यानी कि मोलर, क्या हो जाएगा? मोलर, जिसको चबाने और पीसने वाले दांत कहते हैं, और इसकी संख्या 12 होता है। ठीक है, देखिए दांत से आप लोग एक प्रश्न देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है डेस, गर्मी का खराब कनेक्टर क्या है? गर्मी में कौन सा कनेक्टर खराब है, मतलब यानी उस गर्मी के लिए है ही नहीं? तांबा, धातु, ऊन, पत्थर। तो इस प्रश्न के आंसर हो जाएगा ऊन। बताइए गर्मी में क्या ऊनी कपड़ा कोई पहनेगा? नहीं पहनेगा ना, ठंडा के दिन में ऊनी कपड़ा पहना जाता है, ऊन कपड़ा पहनने से क्या होता है, गर्मी ज़्यादा लगता है, तो इसीलिए ठंडा के दिन पहना जाता है ताकि ठंडा कम लगे, राइट। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण छोटे चीज़ों के अंदर होता है जिन्हें क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण छोटे चीज़ों के अंदर होता है जिन्हें कहा जाता है कोलेनकाइमा, क्लोरोप्लास्ट, सेलुलोज, कोशिका द्रव्य। प्रकाश संश्लेषण छोटे चीज़ों के अंदर होता है जिसे हम लोग कहते हैं उसको क्या? क्लोरोप्लास्ट, राइट। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। देखिए क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो देखिए ये क्लोरोप्लास्ट या हरित लौह का एक प्रकार का क्या है? कोशिकांग है, जो कि पादपों में, पादप की कोशिकाओं में और शैवाल्य कोशिकाओं में पाया जाता है। देखिए क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? तो ये कोशिकाओं के अंदर में और शैवाल्य में पाया जाता है। इनका हरा रंग इनमें क्लोरोफिल रसायन के कारण होता है। देखिए क्लोरोप्लास्ट हरा रंग का होता है, इसमें किसके कारण हरा होता है? तो क्लोरोफिल रसायन के कारण। ठीक है, और ये रसायन प्रकाश प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही आवश्यक है, यानी कि जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट किस अवस्था में कणों के बीच सबसे अधिक स्थान होता है? बताइए किस अवस्था में कणों के बीच सबसे अधिक स्थान होता है? तो गैस में। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
है ना, क्या हो जाएगा गैस में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 41 नंबर दिया हुआ, डेस एक जीव है जो परिसर में मौजूद साधारण पदार्थों से जटिल कार्बनिक यौगिकों का उत्पादन करता है, कौन करता है, तो ये आप लोगों को कौन करता है, तो दोस्तों ये आप लोगों का सो पोषक, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आंसर आप लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाने वाला। नेक्स्ट है, जब हम आयोडीन में स्टार्च डालते हैं तो यह डैश रंग में बदलता है, किस में बदल जाता है, जब हम आयोडीन में स्टार्च डालते हैं तो ये किस रंग में बदल जाता है, बताइए, काला में बदलता है कि नीला में कि बैंगनी में कि हरा में, तो ये किस चीज में बदलता है दोस्तों, ये मैनली और नीला में बदलता है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर हम लोग स्टार्च में आयोडीन डालते हैं तो उसका रंग नीला हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश पानी में अघुलनशील वसा कौन सा है, राइबोफ्लाविन है, फोलेट है, लिपिड है, बायोटीन है, तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग हो जाएगा लिपिड, है ना, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर लिपिड। नेक्स्ट है, डैश मिट्टी जो जीवित जीव जैविक सामग्री और खनिजों से बना है, कौन सा ऐसा जीव है जो कि जैविक सामग्री और खनिज से बना है, बताइए क्या होगा इसका आंसर, तो आप सभी के इस प्रश्न का आंसर ऊपरी परत का हो जाएगा, ठीक है, ऊपरी परत मिट्टी जो जीवित जीव और जैविक सामग्री और खनिजों से बना होता है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हम लोग को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। राइट, नेक्स्ट है, एक परमाणु का द्रव्यमान क्या है, एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का योग, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का योग, या फिर सीम दिया इलेक्ट्रॉनों का योग, या फिर डीम दिया है इलेक्ट्रॉन, तो इस प्रश्न के आंसर आप सभी का आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बी लिखो करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। नेक्स्ट है, जब आयरन ऑक्सीजन और नमी का जोड़ होता है तब क्या बनता है, जंग बनता है, ऑक्साइड बनता है, धातु बनता है, इस्पात बनता है, तो क्या बनता है दोस्तों, देखिए जब आयरन और ऑक्सीजन और नमी से जोड़ होता है तो उसमें जंग लग जाता है, देखिएगा लोहा बाहर में फेंका हुआ रहेगा, रखा हुआ रहेगा तो उसमें जंग लग जाता है, है ना। नेक्स्ट है, मस्तिष्क डैश के द्वारा संरक्षित होता है, किसके द्वारा संरक्षित होता है मस्तिष्क, जल शीर्ष के द्वारा, या फिर मेनिनजेंस के द्वारा, या फिर खोपड़ी द्वारा, या फिर ग्रे मैटर के द्वारा, इस प्रश्न का आंसर आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा खोपड़ी के द्वारा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए खोपड़ी हड्डियों से बना एक ढांचा है, खोपड़ी किससे से बना ढांचा है, हड्डियों से बना ढांचा है जो कंकाल तंत्र का हिस्सा होता है, खोपड़ी किस चीज़ का हिस्सा होता है, कंकाल तंत्र का हिस्सा होता है, ये बहुत सारे जंतुओं के शीर्ष में पाई जाती है, ये मस्तिष्क का सुरक्षा करता है, मस्तिष्क का सुरक्षा कौन करता है दोस्तों, खोपड़ी, राइट, बिल्कुल सी नंबर ऑफ प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब प्रत्येक तटीय स्तर में 20 स्तर उच्च हो जाता है इसे क्या कहा जाता है, जैविक बढ़ाई, बायोक्युमुलेशन, बायोक्लमिफिकेशन, बायोलॉजी, तो इस प्रश्न के आंसर आप लोगों को हो जाएगा क्या, बियो अम्लिफिकेशन, यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, देखिए बायोमिफिकेशन अर्थात इसका मतलब होता है कि जीव आवर्धन उस प्रक्रिया कहते हैं जिसमें पोषण स्तर में ऊपर की ओर जाने पर परभक्षी जीवों में अपने शिकार की जो तुलना में सुरक्षा में उच्च मात्रा पदार्थों का जो क्या बोलते हैं संकेंद्रण होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं बायोमिफिकेशन, जैसे में हो गया आप लोगों का छोटा मछली हो गया, जैसे जलीय जीव हो गया, है ना, ये सब इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट है, 49 नंबर में है, उसको डैश 49 नंबर है, डैश में हाइड्रोजन को जलाने से सितारे चमकते हैं, किसको जलाने से हाइड्रोजन में सितारे चमकते हैं, कार्बन को जलाने से कि हीलियम को कि ऑक्सीजन को कि नाइट्रोजन को, तो इस प्रश्न के आंसर बिल्कुल बी नंबर, यानी कि हीलियम को, हीलियम में हाइड्रोजन को जलाने से सितारे चमकते हैं, हीलियम में हाइड्रोजन को जलाने से सितारे चमकते हैं, है ना। देखिए तारे को ऊर्जा उसके केंद्र में हो रही न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से मिलती है, जहाँ हाइड्रोजन के परमाणु संतुलित होकर हीलियम का निर्माण होता है, इस प्रक्रिया में बहुत मात्रा में ऊर्जा प्रकाश उत्पन्न होता है, इसी को चमकना कहते हैं, सितारे चमकना कहते हैं। राइट,
नेक्स्ट हम आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आज के लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर में, उर्स मेजर एक डेस का उदाहरण किसका, ये उदाहरण है कोम का, केसियो केसियोपेया का, मंडल तारा मंडल का, या फिर केनस मेजर का। तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग का क्या आंसर हो जाएगा, तो आप सभी का सी नंबर यानी कि मंडल तारा का। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग का इस सेशन अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी झारखंड लेडी सुपरवाइजर की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी गण होंगे उन लोग पास वीडियो पहुंच सके और उन लोग भी अपना साइंस में 60 में 60 मार्क को क्या बोलते हैं लॉक कर सकें। ठीक है, और ये आप लोग बता देना चाह रहे झारखंड महिला सुपरवाइजर में ही नहीं बल्कि जितने भी एग्जामिनेशन होगी झारखंड में, है ना, और जिसमें आप लोग साइंस पूछा जाएगा, तो आप लोग यहीं से प्रश्न देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो और आप लोग अभी तक इस चैनल में नहीं होंगे तो बोलेंगे जो हर एक जगह सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी इसी तरह का वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। और दोस्तों आप लोग झारखंड महिला सुपरवाइजर में हिंदी लिए होंगे पेपर 2 में, तो उसके लिए आप लोगों को क्लास रोज MCQ के माध्यम से आप लोग को 9 बजे रात को बताया जाता है, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कीजिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय जोहार।